दोस्तों आज मैं आपसे यूरोप के बेहद ही बेमिसाल देश जर्मनी के बारे में बात करूंगा, जिसका ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। ये कमाल का देश पश्चिमी यूरोप में स्थित है। दोस्तों इसका एरिया 357,170 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ की आबादी 8 करोड़ और 41 लाख के आसपास है और आज के दिन ये यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। दोस्तों यहाँ की कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी बर्लिन है, जिसे पूरी दुनिया एक बहुत ही खूबसूरत सिटी के रूप में भी जानती है। जर्मनी देश की करेंसी यूरो है और आज के दिन यहाँ का एक यूरो हमारे इंडिया के 84 रुपए के इक्वल है। दोस्तों इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। आज के दिन इस देश में 81% लोग जर्मनी से ही बिलोंग करते हैं। साथ ही इस देश में वेस्ट एशियंस, टर्किश लोग, अरब लोग और एशियन लोग भी काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। यहाँ पर 5% वेस्ट एशियन लोग, 1.3% अरब लोग और 1.3% एशियन लोग मौजूद हैं। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इस कमाल की कंट्री जर्मनी के बारे में कुछ कमाल के रोचक फैक्ट्स बताने वाला हूँ। दोस्तों इंजीनियरिंग के मामले में जर्मनी को दुनिया के सबसे बेस्ट देशों में से एक माना जाता है और इंजीनियरिंग के चलते ही ये यूरोप का सबसे विकसित देश है और आने वाले समय में यही वो देश है जो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान को भी कड़ी टक्कर दे सकता है। आज के दिन दुनिया की कुछ बड़ी कंपनीज जैसे ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज बेंज और पोर्शे, ये सभी कंपनीज जर्मनी से बिलोंग करती हैं। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी फॉक्सवैगन भी यहीं की है। दोस्तों जर्मन इतना एडवांस देश है कि इसमें बुलेट ट्रेन पिछले कई सालों से ही चलती आ रही है। यहाँ की कंपनी फॉक्सवैगन हर साल 4 करोड़ से भी ज्यादा कार्स को बनाती है और ये कंपनी इतनी बड़ी है कि यहाँ के वर्कर्स को फैक्ट्री में चलने के लिए साइकिल्स की जरूरत पड़ती है। दोस्तों जर्मन देश की बात हो और जर्मन ऑटो बान की कोई चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जर्मनी का जर्मन ऑटो बान बहुत ही फेमस है। असल में ये जर्मनी के एक तरह के हाईवे सिस्टम जैसा है। दोस्तों इसको एक और नाम फेडरल मोटरवे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर कोई भी स्पीड लिमिट नहीं होती और आप जितनी तेज चाहें उतनी तेज गाड़ी यहाँ पर चला सकते हैं। कई रिपोर्ट्स के बाद ये बात सामने आई है कि फास्ट होने के बावजूद भी ये दुनिया का सबसे सेफेस्ट हाईवे है। दोस्तों जर्मनी देश के कानून भी बड़े ही अजीब हैं, क्योंकि अगर कोई इंसान जर्मनी की जेल से भागने की जरूरत करता है तो इसके लिए उसे कोई भी सजा नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ के कानून का मानना है कि हर इंसान को आजाद रहने का पूरा हक है। जर्मनी देश में 2014 का साल स्टूडेंट्स के लिए तो पूरी तरह से वरदान रहा, क्योंकि 2014 में जर्मन के कॉलेज स्टूडेंट्स की पूरी फीस माफ की गई और बाहर से आए हुए स्टूडेंट्स की फीस भी पूरी तरह से माफ हुई थी। दोस्तों जर्मनी का इतिहास काफी ज्यादा बुरा रहा है और अपने इतिहास में इस देश ने बहुत सारे जख्म झेले हैं। जर्मनी देश अपने तानाशाह हिटलर के लिए भी दुनिया भर में बड़ा ही फेमस है। दोस्तों असल में हिटलर और उसकी आर्मी एक खास तरह का सल्यूट बजाती थी, जिसे नाजी सल्यूट के नाम से जाना जाता है। आज के दिन अगर कोई भी इंसान जर्मनी में नाजी सल्यूट करता हुआ देखा जाता है तो उसे 3 साल की सजा होती है। असल में हिटलर को सभी लोग इतनी नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि हिटलर 2 करोड़ लोगों की मौत की वजह बना था। दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ही जर्मनी के इतने लोग मारे गए थे कि यहाँ की 72% महिलाएं विधवा हुई थी और उस समय ही कई सैनिकों के द्वारा जर्मन की महिलाओं का रेप भी किया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय यहाँ की 60% महिलाओं का रेप हुआ था। दोस्तों जर्मनी के कानून के मुताबिक वहाँ के सैनिकों को ये छूट है कि अगर उन्हें कोई ऐसा ऑर्डर दिया जाता है जिससे इंसानों को खतरा हो तो वो उसे मानने से इनकार भी कर सकते हैं। आप सभी को लगता होगा कि जर्मनी देश इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे है, लेकिन इसके अलावा ये देश खेल के मामले में भी कुछ कम नहीं है और व्यापार के मामले में भी ये देश दुनिया के बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी आगे है।
दोस्तों आप सभी ने फेंटा कोल्ड ड्रिंक कभी ना कभी तो जरूर पी होगी, मगर शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस कोल्ड ड्रिंक की शुरुआत भी जर्मनी देश में ही हुई थी। दरअसल ये कोल्ड ड्रिंक इसलिए बनाई गई थी क्योंकि उस समय की पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक कोका कोला जर्मनी के विरोधी देशों में बनाई जाती थी और वहाँ से इसे इम्पोर्ट करना बेहद ही मुश्किल था। तो दोस्तों ये थे जर्मनी देश के बारे में कुछ कमाल के फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो को सबके साथ शेयर भी जरूर करना और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमारे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर जुड़ना।